हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सबको मेरा नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं अनीता, उत्तराखंड से, आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज हम घूमने जा रहे हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं जा रहे, आज मंगलवार है तो मंदिर जा रहे हैं थोड़ा। आप भी हमारे साथ चलिए, इंजॉय करिए, वीडियो में पूरा बने रहिए। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। वीडियो को पूरा बने रहना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ जा रहे हैं दोस्तों, गाड़ी निकाल रहे हैं। मौसम तो वैसे बारिश का हो रहा है, देख रहे हैं दोस्तों, पर ना आए तो बढ़िया है, मंदिर जाके तब आ जाए, कोई बात नहीं, रात में अभी देखते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे हम जा रहे थे घर से, थोड़ा दूर में फाटक है ना, तो वहाँ पे तब तक फाटक लग गया, ट्रेन आने का टाइम हो गया। हमेशा ऐसी होता है, जब भी हम आते हैं ना, देखो ट्रेन भी आ गई, हमेशा ट्रेन आ जाती है, पता नहीं क्यों। अब फिर ना रुकना पड़ता है ज़्यादा देर, तो दिक्कत होती है, पर कोई बात नहीं। दोस्तों, हम मंदिर पहुंच चुके थे, इसलिए प्रसाद ले रहे थे, क्योंकि मंदिर से पहले बूंदी का प्रसाद मिलता है वहाँ पे। भीड़ देखना दोस्तों कितनी लगी हुई है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अंदर का तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी ज़्यादा, क्योंकि अंदर का अलाउड नहीं है दिखाना, तो नियम का पालन करना पड़ता है। पर भीड़ देखना, यहाँ ना मंगलवार को इतनी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि मंदिर भी बहुत ही अच्छा है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, बहुत मंदिर आ गया है। वहाँ पे नल लगा होता तो हमने कहा पैर पूर धो लेते, चप्पल जूते निकाले, क्योंकि वहाँ पे बस बहुत भीड़ है। पर यहाँ पे कोई डर नहीं है, क्योंकि मंदिर है तो मंदिर में कोई ले जाता भी नहीं है। पानी भी पानी की व्यवस्था भी कर रखी उन्होंने वहीं पे, हाथ पैर धो लेंगे आके, जो बस इतना दिखा पाई मैं, ज़्यादा नहीं दिखा पाई। मंदिर के दर्शन करके हम आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, सब जगह लिखा हुआ है फ़ोटो करना अलाउड नहीं है। अब मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि थोड़ा कुछ खा लेते, होता है ना जब कभी शाम के टाइम बाहर आते हैं तो कुछ खाने का मन करता है, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो इसलिए लगे रहते हैं यहाँ पे चार चुट वाले भी, काफ़ी टेस्टी भी रहता है। तो देखते हैं कि क्या मिलता है खाने के लिए, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी, आप लोग भी खाने के लिए आना। वैसे तो हम काफ़ी बार आते हैं, पर छूट ना हर दिन मन नहीं करता ना, हर दिन कोई भी चीज़ करने की इच्छा नहीं होती। दोस्तों, अब हमने सोचा चाट खाते हैं गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे खाने का काफ़ी मन कर रहा था, तो गोलगप्पे खाते हैं हम। ये देखो हस्बैंड को क्या ठूस ठूस के खा रहे हैं, मेरे को भी बड़ा मन कर रहा था खाने का, तो अब देखो क्या मज़ा, बहुत ही मज़ा आ रहा खाने में। बाहर में ना कुछ अलग ही मज़ा आता, बड़ी शॉप में मज़ा नहीं आता, जो बाहर खाने का मज़ा होता है। पहले ना दोस्तों मेरे से गोलगप्पे नहीं खाए जाते थे, मुझे ना बड़ी शर्म आती थी, पर अब नहीं आती, अब तो मैं खा लेती हूँ। उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि मैं ना दही वाले गोलगप्पे खाऊँगा, पता नहीं इनको क्या पसंद आते दही वाले। फिर उन्होंने अपने लिए एक प्लेट दही वाली लगाई, तो वो अपने दही वाले गोलगप्पे खा रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। अब हम घर के लिए निकल रहे दोस्तों, काफ़ी मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, इस समय बारिश की बूंदें भी लगी थी, तो मौसम का कुछ अलग ही आनंद आ रहा था। बहुत मज़ा आता है ना जो अंधेरा होता है, ठंडी हवा आती, गर्मियों के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है ऐसे बाहर घूमना। अब हम घर पहुंच चुके हैं दोस्तों, रास्ते में बहुत अंधेरा हो गया था, आपने देखा बारिश भी होने लगी थी, काफ़ी तेज बूंदाबांदी पड़ी, पर फिर रुक तो गई थी, वो हो नहीं रही है अब, भले हो जाती उस समय तो बंद ज़ोर ज़ोर से पड़ने लगी थी, जैसे घर आए बंद हो गई। ये तो होता ही ना, बारिश धोखा देती है। ये प्रसाद है, पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ इसका, तब हम भी खाएंगे। आज का ब्लॉग फ्रेंड यही एंड करते, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।